जयपुर के कन्हैया हत्याकांड में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए एक आरोपी को बीजेपी से जोड़ा। मोहम्मद रियाज अत्तारी जिसने ये हत्या की उसके लिंक भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भाजपा का कार्यकर्ता है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा ढोंगी राष्ट्रवाद में बीजेपी को पीएचडी हासिल। देश के 22 शहरों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकवाद से कनेक्शन को लेकर किया हमला। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का संगीन आरोप, बीजेपी का आतंकियों से नाता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, बटला हाउस केस में सोनिया गांधी रोई थी। आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देख। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, संबित पात्रा ने कहा जाकिर नाइक और यासीन मलिक का कांग्रेस से रिश्ते जग जाहिर। गांधी परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाख से अधिक रुपए जाकिर नायक से बतौर डोनेशन लिया था। दिल्ली में वीएचपी का संविधान संकल्प मार्च, मंडी हाउस से जंतर मंतर तक उठाई आवाज। दिल्ली में मार्च के दौरान कन्हैया और उमेश के हत्यारों को फांसी देने की मांग, प्रदर्शनकारियों ने लहराए बैनर पोस्टर। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान, कहा नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा, देश संविधान से चलेगा शरीयत से नहीं। उदयपुर हत्याकांड पर बोले आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर, जितना निंदा की जाए उतना कम, मुस्लिम समाज को उदयपुर घटना के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। काली फिल्म के विवाद में आरएसएस की एंट्री, कहा अभिव्यक्ति की आजादी लेकिन धार्मिक भावना का हो सम्मान। ये भारत की परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है, अर्थात समय परिस्थिति में लोक भावना का ध्यान सभी को रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर लीना पर भड़के गजल गायक अनूप जलोटा, कहा ऐसे लोगों को सबसे खराब पागल खाने में जगह मिलनी चाहिए। अमरावती हत्याकांड के विरोध में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, मृतक उमेश कोल्हे को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के साथ अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल। पीएम मोदी 12 जुलाई को जाएंगे पटना और देवघर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रपति चुनाव में राजा भैया और शिवपाल यादव भी देंगे वोट। दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिंदे ने कहा हमारी सरकार जनता के लिए केंद्र से ली जाएगी मदद। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बताया महाराष्ट्र सरकार का नेता, कहा शिंदे सरकार को सफल बनाना है हमारी प्राथमिकता। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद फडणवीस ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर, लिखा नए सीएम को अमित शाह का आशीर्वाद। शिंदे समर्थक विधायक दीपक केसरकर ने संजय राउत पर साधा निशाना, कहा राउत शिवसेना के नेता लेकिन मन में एनसीपी। ईद से पहले प्रयागराज में प्रशासन की चौकसी, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देने की सख्त हिदायत। सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार दो आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड, सोनीपत का रहने वाला है शार्प शूटर अंकित। सिद्धू मूसेवाला केस में नया खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल और भांजे सचिन को हत्या में पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से करवा था फरार। नोएडा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के आवास पर की छापे मारे। उत्तराखंड के श्रीनगर में सरकारी राशन डीलर ने अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कारोबारी भी शामिल। अयोध्या में एक घर और खेत में हुए दो धमाकों पर पुलिस ने लिया एक्शन, हेरिंगटन
गंज चौकी इंचार्ज यशवंत द्विवेदी लापरवाही बरतने में के आरोप में लाइन हाजिर। पुलिस ने पहले से सिलेंडर ब्लास्ट करा दिया था। गाजियाबाद में बुजुर्ग से हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की हुई शिनाख्त। सराखों के पीछे भेजे गए आरोपी। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी को किया बेनकाब। 2 लाख रुपए लेकर सहायक आचार्य सांख्यिकी विभाग अधिकारी परीक्षा में हुआ था शामिल। नोएडा पुलिस ने चर्चित बाइक वोट घोटाले में आरोपी के खिलाफ की कुर्क कार्रवाई। आरोपी के 1.5 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। असम पुलिस को कामरूप जिले में मिली बड़ी कामयाबी। 7 करोड़ रुपए की नशे की खेप हुई बरामद। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर उफान पर है। नदियां भूस्खलन का संकट। देहरादून में सड़कों पर बहादरिया। हरिद्वार में भी गंगा उफान पर। सड़क पर सैलाब का मंजर। तेज धारा से पुरोहितों में समाया है डर। बागेश्वर में बारिश बनी आफत। जगह जगह पर पहाड़ों पर भूस्खलन का संकट। मलबा आने से 34 सड़कें हुई बंद। बागेश्वर में सड़कों पर दरिया जैसा हालात। फंसे मुसाफिरों को जेसीबी से निकाला गया बाहर। भूस्खलन के मलबे से तमाम घर हुए तबाह। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा नदी। नजदीकी इलाके में अलर्ट जारी। हिमाचल के कुल्लू में भी फटा बादल। तेज बहाव में बहते हुए दिखे लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठे। मूसलाधार बारिश के चलते कांगड़ा भी हुआ पानी पानी। सड़कों पर जलभराव का संकट। गुजरात में सैलाब का जबरदस्त संकट। कच्छ में दिखा समंदर और सैलाब का भेद मिटाव। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। आसना नदी के पुल के ऊपर से बहादरिया। घरों में बाढ़ का पानी घुसा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी घरों और दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी। सामान हुआ बर्बाद। पुल भी तेज बहाव में बहा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भारत की शानदार जीत। 49 रनों से मात देकर किया सीरीज पर कब्जा। भुवनेश्वर कुमार ने झटके 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह के साथ युजवेंद्र चहल ने भी इंग्लैंड को दिए 2-2 झटके। जडेजा ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन। विराट कोहली की बढ़ सकती है परेशानी। खराब फॉर्म नहीं छोड़ रहा है पीछा। दूसरे T20 में भी 1 रन बनाकर हुए आउट। रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भारत की लगातार 19वीं जीत। T20 क्रिकेट में ये उनकी कप्तानी में लगातार 14वीं जीत जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज। कप्तान रोहित की नजर इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप पर।